सब्सक्राइबर तो बहुत ज्यादा है, आपको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। नहीं नहीं सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, कितनी मेहनत से बनाते हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल लाइफ है। टाइम निकालना बहुत मुश्किल है यार, घर वालों को कॉल करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, वो घर वाले बार बार कॉल कर रहे होते हैं। वो जहाज आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो आज मेरी यूनिवर्सिटी में है प्रेजेंटेशन, जो मेरा कोर्स है, मेन कोर्स है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील का, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसकी वर्थ है 20% कोर्स की। तो आज क्लास वैसे 1 बजे है, मतलब कि सारे जो लेक्चर्स वगैरह थे वो टीचर्स ने हमें पढ़ा दिए थे। आप कहते हैं आपसे आपका प्रोजेक्ट जो कोर्स वर्क होता है, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं मेन प्रोजेक्ट कहते हैं जिसको, तो वो उसकी आज प्रेजेंटेशन है, मींस कि हमने इनिशियल रिपोर्ट बना के जमा करानी है। मैं आज यूनिवर्सिटी में जल्दी आ गया था टाइम से, तो अभी अच्छी खासी धूप निकली है, आज बादल आ जाते हैं लेकिन धूप अच्छी खासी निकली है। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने ग्रुप मेट्स का, मतलब कि मेरे ग्रुप में दूसरे लोग हैं, ज़ाहिर का दूसरा ग्रुप है, हसीब का दूसरा ग्रुप है, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ ताकि फिर हम उसको प्रेजेंटेशन को डिवाइड कर सकें। क्योंकि 3-4 दिन से यही कर रहा था मैं, मतलब कि मेन फोकस हमारा यही था, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसको अभी हम डिवाइड करेंगे कि इतने इतने पेज इसने प्रेजेंट करने हैं, तो वो भी ये है कि रिहर्सल करेंगे उसकी। तो बाकी यही क्या आज प्रेजेंटेशन है, होपफुली वो अच्छी जाएगी। बाकी मैं जब तक अपने ग्रुप मेट्स का वेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ इस साइड पर आके आपको थोड़ा सीनरी दिखा दें और थोड़ी बहुत बातें कर लें कि यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे एग्ज़ाम स्टडी कैसा है। और वो जहाज आ गया। तो काफ़ी लोग मुझे अब मैसेज करते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, यूनिवर्सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी है। अच्छा, तो मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी दिखा रहा था, तो मुझे अपना दोस्त मिला जो व्हाट्सएप पाकिस्तान ग्रुप बना हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का एडवाइज़र ने बनाया। तो हाय कहते हैं, कैसे हैं शिराजी साहब आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय टू कैमरा, हाय टू कैमरा, हाय टू पब्लिक। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके यार? सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है, आपको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो यार आप बताओ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपका कोर्स कौन सा है और आपका नाम क्या है, सारा कुछ? मेरा नाम सैयद सिफ़त हसन शिराजी है, कोर्स मेरा तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मुझे तकरीबन सब के कोर्सेज की नॉलेज है, ऑलमोस्ट सबका जितना प्रोसेस हुआ मुझे स्टेप बाय स्टेप मैं ही तकरीबन लेके चल रहा था, जो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही थी, जैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया एप्लीकेशन का, हमारे वो मॉक कॉल्स यूनिवर्सिटी लेती है, उसमें मॉक कॉल्स आती हैं स्टार्ट में, बंदर लोग मिस करते हैं, लेकिन उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। मॉक कॉल्स का ये होता है कि मॉक कॉल्स ऐसे होते हैं कि आपको वो कॉल करते हैं, उसमें आपसे इंटरव्यू लेते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है, आपने उसके कंपैरिजन कोर्स का करना होता है कि आपने दूसरे से कंसीडर, अब आपने ये कंसीडर करना होता है कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर आपने नहीं भी की उन्हें कंसीडर यूनिवर्सिटी, तो आपने बताना होता है डेफिनेटली कि हम ये नहीं कि हम उठा के ये इसी यूनिवर्सिटी में ही आ गए हैं, लेकिन हमने बताना होता है कि हमने डेफिनेटली, जब स्टूडेंट एक पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसने डेफिनेटली 3-4 यूनिवर्सिटी देखी होती हैं, जैसा कि हम मेंशन करते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी ली थी वो बताएं। मैंने ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी को देखा था। तो आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी है, शुरू में जब मैंने यूनिवर्सिटी डिफरेंट सेलेक्ट कर रहा था तो और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी कंसिडर की थी, लेकिन उनका ये था कि कुछ फीसेस बहुत कम थी। एक मुझे ऑफ़र आई थी, एक ने कहा था कि मैं 11,000-12,000 में ना आपको फ़ीस करवा देता हूँ, उसके पहले मुझे ईस्ट लंदन से 14,000 समथिंग में, 14,300 में ऑफ़र आ चुकी थी, जिसमें 3,000 का स्कॉलरशिप भी इंक्लूडेड था। तो मैंने उसको कहा कि ऑफ़र ठीक है, मुझे पसंद आई है, आप मुझे बताओ, अल्स्टर यूनिवर्सिटी का सॉरी वो कह रहा था। तो जब मैंने उसे रिकंसल्ट किया तो उसने कहा कि नहीं यार, वो इतने में ऑफ़र 11,000 में ऑफ़र कर रही थी, वो कह रहा है लंदन से 12, अगले लंदन में लोगे 13,000। मैंने कहा फिर भी ठीक है, लेकिन जब मैंने उससे डिटेल्स मांगी तो उसमें ये था कि वो प्लेसमेंट ऑफ़र नहीं कर रहे थे इसके अंदर मुझे,
जबकि ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी जो है ये मुझे प्लेसमेंट ऑफर कर रही थी। तो आप प्लेसमेंट ईयर के साथ आए हो? हाँ जी प्लेसमेंट ईयर। अच्छा तो प्लेसमेंट ईयर होती क्या है, लोगों को बताएं? प्लेसमेंट ईयर बेसिकली एक पेड इंटर्नशिप टाइप की होती है जिसमें आपने यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है लेकिन आपने खुद अपनी एक पेड जॉब ढूंढनी होती है। उसमें आपने बकायदा एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि उसमें आपने क्या सीखा, एक किस्म का आपका एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड से रिलेटेड, और वो फील्ड रिलेटेड जॉब आपने करनी होती है। बेनिफिट होता है कि आपको इन फ्यूचर स्पॉन्सर्ड जॉब आपको मिल सकती है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इसमें यह है कि आपको साल में से 6 महीने इंटर्नशिप करनी होती है, तो यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देती है आगे कंपनीज का वगैरह, तो वो है कि उस कंपनीज में आपने रिलेटेड जॉब करनी होती है, तो ये होती है प्लेसमेंट ईयर। जी जी, यूनिवर्सिटी रिकमेंड भी करती है और आपने अपनी रिसर्च भी करनी होती है बाज़ूका, क्योंकि MBA में स्टूडेंट आप देखें ना, जैसे मेरा फील्ड है MBA का, तो इसमें प्लेसमेंट ईयर के साथ भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए हुए हैं, तो डेफिनेटली उन कंपनीज ने इतने इम्प्लॉयज़ हायर करने हैं जितनी उनको नीड है। आजकल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हैं लंदन में, तो ये भी हो सकता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी मेंशन करे कंपनीज, उसमें आपको ना इंटर्नशिप मिले, आपने प्लेसमेंट ईयर के लिए बाहर से किसी कंपनी से कंटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा, आप जब प्लेसमेंट ईयर में इधर आते हैं होता है कि आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, मतलब जब कोर्स वर्क आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को कह दें कि मैंने प्लेसमेंट ईयर नहीं करना, तो आपकी डायरेक्ट डेजर्टेशन हो जाती है और आप एक साल वाली डिग्री भी चूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है और मैंने ऐसे भी लोगों के केस देखे हैं जिनको प्लेसमेंट ईयर में आगे जॉब्स नहीं मिली। कई बार ऐसे हो जाता है ना, कोई उसमें की वजह मेन ये होती है कि स्टूडेंट खुद सुस्ती कर जाता है। हमने अब सेकंड टर्म जब स्टार्ट होती है उसके स्टार्ट में ही दूसरी बात ये कि अगर आप प्लेसमेंट ईयर में अगर आप कोई कंपनी मतलब हंट कर लो ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप भी वहाँ कर दें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली कंपनी वही होती है जो जिनके पास स्पॉन्सर वीजा होता है। बाकी बताएं कि लोगों को लंदन आना चाहिए या दूसरे सिटीज आना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली लंदन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। जो शुरू में हमें जहाँ आप पे आते हैं तो आपको सबसे पहला मसला होता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है यहाँ पे, आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। मिल जाती हैं अच्छी भी थोड़ी, लेकिन फिर भी वो कॉस्टली होती हैं। अब मैं जैसे कि शेयरिंग में रह रहा हूँ फिर भी 350 pounds दे रहा हूँ जो। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी शेयरिंग में रह रहा हूँ तो मैं भी तकरीबन 300-350 to 400 दे रहा हूँ। तो लंदन में बेशक अकोमोडेशन महंगी है, लेकिन मैं अभी गया हूँ डर्बी वगैरह, नॉर्थहैम्पटन वगैरह, तो वहाँ पे मैं जो मार्केट देख के जो दावा है कि अब जैसे लंदन में कोई 10 markets होंगी ना, मतलब 10 areas होंगे, उसमें अलग-अलग 10 street markets होंगी। मैं डर्बी गया था और नॉर्थहैम्पटन गया था, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि वो लंदन का 1/10 है, मतलब जितना लंदन है इसका 1/10 कर लो इतना है। एक के नाम है 10-11 दुकानें हैं और वो उनकी हाई स्ट्रीट है। तो ये लंदन में हमें ये होता है कि हमें टेस्को मिल जाता है, आल्डी वगैरह हर जगह मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि वहाँ मैं गया था तो वहाँ पे शाम रात 8 to 10 तक सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है और सुनसान, मतलब अगर आपको यहाँ की नाइट लाइफ पसंद नहीं है, मतलब जैसे पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची लगा लो, कि वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी तेज़ है, रात को लोग जागते हैं, नाइट लाइफ है यहाँ पे, तो वो वाली लाइफ मुझे लंदन में फील है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, एक ये अच्छी चीज़ है कि रात को अब 12-1 भी हम आ रहे होते हैं तो हमें जो बसेस वगैरह मिल जाती हैं रूट्स पे, काफ़ी बसेस होती हैं जो 24 hours चाली होती हैं। हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी ज़्यादा हैं लंदन, ज़्यादा है, लेकिन ये कि शुरू में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि शहर मुश्किल है, मतलब टफ है, महंगा है। दूसरी बात ये कि आप किसी भी सिटीज में जाएं ना, किसी भी कंट्री में चले जाएं, जिस जगह पे न्यू है डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ के रिलेटेड माहौल में आके आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट में फेस करना पड़ेंगी। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्ट्रगल करते हैं थोड़ा वक्त के साथ साथ बंदा चीज़ें सीखता है, तो फिर बंदा जब माहौल में डाल जाता है फिर बंदे को मुश्किल नहीं होती। जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमें बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन अब हम काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत चल भी रही हैं आगे जॉब से रिलेटेड। पहली आपकी टेंशन होती है अकोमोडेशन, वो अगर आप पाकिस्तान से सॉर्ट आउट कर लो तो आपका आधा काम है, क्योंकि आपने नई नंबर अप्लाई करना है, GP रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है, सारी चीज़ें करनी है, आपके एड्रेस पे आएंगी, ठीक है, उसके अलावा आपके ऑफिसर कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आपके एड्रेस पे होंगी, तो बेहतर जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। दूसरी बात ये कि मेरा एक कज़न है वो मैनचेस्टर में होता है, वो बताता है कि अगर आपको स्पॉन्सर वाली फील्ड मिल जाए तो उसकी सैलरी आपको यहाँ अच्छी मिलती है लंदन में, तो ये उसका फ़ायदा है। मतलब उसका एक बता रहा था, उसका एक दोस्त है, उसने ACCA किया हुआ है, कि उसको 1,00,000 pounds की मतलब कि एनुअल इनकम की मिली है, अगर उसको डिवाइड करें पर ईयर के हिसाब से तो 8,000,
टैक्स काट के तकरीबन उसके अकाउंट में 5,000 से 55,000 तो ये है कि अगर बंदा अच्छी चीज़ें देखे तो अच्छी भी हैं, बुरी चीज़ें देखे तो बुरी भी हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटी की फीसिस के बाद फीस कितनी थी और आपकी क्या नाम है, आपने क्यों सेलेक्ट की और बाकी यूनिवर्सिटी की क्या फ़ीस थी? वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी फ़ीस मुझे 17,000 समथिंग थी, जिस पर 3,000 स्कॉलरशिप मिला तो 14,300 होगी। तो आपकी 17,000 इसलिए थी क्योंकि 3,500 आपने प्लेसमेंट ईयर का दिया? नहीं नहीं, 3,500 जो है वो अलग से देना है। अच्छा, हाँ जी, सही सही। जो प्लेसमेंट ईयर का है वो इस साल के एंड पे इनको पे करना है यूनिवर्सिटी। बाकी यहाँ की पढ़ाई का बताओ कि कैसा टीचिंग सिस्टम है, रट्टा सिस्टम है या क्या है? टीचिंग सिस्टम पाकिस्तान से बहुत ईजी है, अपने ग्रुप स्टडीज होती हैं सेमिनार ग्रुप्स में, बाकी जो लेक्चरर्स होते हैं बस वो तो ट्यूटर्स आते हैं आपको स्लाइड से पढ़ा देते हैं, ईजी है, बहुत जाती है। वैसे मैंने देखा यहाँ पे स्टडी आसान है, बस आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे आके स्टूडेंट जो है वो जॉब्स वगैरह में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यार हम भाई इतना फोकस नहीं करते। तो हाँ, अभी तक आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे लंदन आए या ना आए, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? एक्सपीरियंस इतना अच्छा तो नहीं है जितना हम सोच के आते हैं, लेकिन ठीक है। अगर आप किसी और यूरोप वगैरह में अगर आप मूव हो सकते हैं, जैसे इटली वगैरह, अगर किसी यूरोपीय कंट्री में आपको, यूरोप के किसी कंट्री में आपको ऑफर होता है, स्कॉलरशिप भी बहुत से कंट्रीज ऑफर करते हैं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर नहीं कर सकते ना, तो बेटर है कि आप किसी ऐसे कंट्री में जाएं जो आपको स्कॉलरशिप पे स्टडी करवाए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो फिर आप लंदन ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर आके आप शिफ्टों में फंस जाते हैं। अगर आपका बजट नहीं है इतना, जैसे हम मोस्टली पाकिस्तानी लोग हम करते हैं कि हम लोग लोन वगैरह लेके या कोई चीज़ बेच दी, मुश्किल से फीसें पे करते हैं, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है वो हम पे करके इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे आके हमें अपने एक्सपेंसेस भी पे खुद ही अर्न करके पे करने होते हैं, फीस भी हमारी 50% से 60% होती है। तो टेंशन में हम ये भूल जाते हैं कि हमने स्टडी भी करनी है, तो स्टडीज़ की टेंशन अलग से साथ चल रही होती हैं, हमें पता नहीं होता क्या लेक्चर तो हम ले रहे होते हैं, क्योंकि वो भी मजबूर कर दिए हुए लंदन गवर्नमेंट ने कि हमने अगर अटेंडेंस कंप्लीट ना करें तो आपको होम ऑफिस वाले रिपोर्ट कर देंगे। तो दूसरा पे अभी इनका इनिशियल फेज़ है, तो ये इसलिए स्ट्रगलिंग फेज़ में है, तो मैं भी स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ, लेकिन वो माइंडसेट की गेम है। अगर आप पाकिस्तान से आएँ तो आपने अपना माइंड बना के आना है कि आप यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पर सो सकते हैं, आपको चलने की आदत होनी चाहिए, उसके अलावा और क्या होनी चाहिए आप बताएँ? हाँ, यही है कि आपको माहौल के साथ एडजस्ट होना आना चाहिए। आप ये नहीं कि मैं दो बंदों के साथ या तीन बंदों के साथ नहीं रहना चाहता, अगर आप ऐसे कहेंगे ना कि मैंने सिंपल अलग रूम लेकर रहना है या बहुत हाई फाई लाइफ गुजारनी है, तो वो यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो बंदा ज़्यादा वो मम्मी डैडी बनता है ना कि मैंने अच्छा ड्रेसिंग करनी है, अच्छा खाना पीना है, तो वो फिर यहाँ पे आके वो चीज़ नहीं मेंटेन हो सकती। हाँ, ये नहीं कि शुरू में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने, तो बाद में फिर टाइम से टाइम एडजस्ट हो जाए। दूसरा, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं ना, हम गूगल मैप में लिखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है प्लेटफॉर्म स्टेशन कौन सा है, वो सारी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको ये कि आप इन्वेस्टमेंट इतनी लेके आएँ कि शुरू में, मैं अगर लंदन आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको 2,000 से 3,000 पाउंड लेके आएँ, क्योंकि आपको 2-3 महीने पता भी नहीं चलना पैसे ऐसे लग जाने, और वो आपने इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्ट कैसे करने हैं? आपने सिक्योरिटी का बैच अप्लाई करना है, उसके अलावा आपने CBT का लाइसेंस अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, ताकि अगर आपको टेकअवेज वगैरह में जॉब ना मिले तो आपके पास ये ऑप्शन हो। अगर आप किस तरह के स्टूडेंट, आप कहते हैं कि यार मैं पढ़ाई भी करूं और कमाई भी करूं साथ साथ, तो आप बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके हैं, ताकि अगर आपको सिक्योरिटी में जॉब मिलगी तो आप उसमें स्टडी भी इजीली कर सकते हैं। टेक वेज में मैं देखता हूं वो आपको बैठने भी नहीं देते पूरा दिन, तो आपको ना टाइम मिलता है और आपको हफ्ते में 5 दिन जाना पड़ता है, 2 दिन आपकी यूनिवर्सिटी होती है, तो वो टफ हो जाता है। तो बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और दूसरी बात यह कि बस अब मेरी प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो आपका बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आपने आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी इस इंटरव्यू में आ जाऊँ। नहीं नहीं, बहुत लोगों को बहुत इससे हेल्प मिली होगी, तो और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह कमेंट कर देगा, तो उससे हम रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह, और भी हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, तो यार 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 50% लोग सब्सक्राइब करते हैं। नहीं नहीं, सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, कितनी मेहनत से बनाते हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल लाइफ है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है यार, घर वालों को कॉल करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, वो घर वाले बार बार कॉल कर रहे होते हैं। मैं तो यहाँ पे किसी दोस्त की कॉल नहीं उठाता, जिसको मैं टेक्स्ट करता हूँ, घर वालों से कॉल पे बात करता हूँ, यहाँ पे बिजी लाइफ है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। मेहनत कर रहे हैं भाई, तो इनकी मेहनत का इनको फल मिलना चाहिए। सही, तो आज की वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।